I would now request Mr. Rana Adil Mumtaz, CEO, Ethics Group of Colleges, to please enlighten the youth. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. First of all, तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा फहद बड़ाइश साहब को, उनकी सारी टीम को. वंडरफुल एफर्ट्स, वंडरफुल इवेंट. और जब कभी भी हम उनको देखते हैं कोशिश करते हुए, तो हमें अपनी नौजवानी याद आ जाती है. जवान तो अभी हम हैं, बट नौजवानी याद आ जाती है कि इस कदर एनर्जी के साथ, इस कदर शौक के साथ इनकी सारी टीम माशाल्लाह से एफर्ट कर रही है. मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं फहद बड़ाइश साहब के साथ और इनकी सारी टीम के साथ. जहाँ तक आज की इस गुफ्तगू का ताल्लुक है, तो जो टॉपिक्स थे इनमें से मुझे जो बेहतर लगा वो चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस के हवाले से मुझे बेहतर लगा कि मुझे चंद मिनट यूथ के साथ इस टॉपिक पे बात करना चाहिए. ऑलमोस्ट कोई 3 डेज बैक मुझे मेरे एक स्टूडेंट का कॉल आता. मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 21 साल से यूथ के साथ ही अटैच हूँ और एज टीचर मेरा प्रोफेशन भी है, कॉलेजेस भी हैं, स्कूल्स भी हैं. तो ऑलमोस्ट 21 साल से यूथ के साथ मुंसलिक हूं और अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल मुंसलिक हूं. तो आज से 3 दिन पहले मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आता है जो टॉपर था अपने एकेडमिक टाइम के अंदर, बहुत अच्छे CGPAs और बहुत कुछ. और मेरी जब उस स्टूडेंट के साथ कोई 4 से 5 मिनट कॉल पर बात होती है, तो मुझे जो उस बच्चे के चैलेंजेस जो उस बच्चे ने मुझसे शेयर किए, जो स्टूडेंट ने मुझसे शेयर किए, मुझे लगता है कि वो रियल टाइम चैलेंजेस, वो सब वो चैलेंजेस हैं जो आज हमारी यूथ फेस कर रही है. जब मेरी उस बच्चे से बात हुई कि आप इस कदर डीमोटिवेट क्यों हैं, आप इस कदर डिप्रेस क्यों हैं, तो उसका जवाब था कि हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है. उसका जवाब यह था कि हमारे मुल्क का पोलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं है. उसका जवाब यह था कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम ठीक नहीं है. उसका जवाब यह था कि हमारे इदारे बहुत अच्छे नहीं है. उसका जवाब यह था कि शायद मैं किसी बहुत बड़ी फैमिली के अंदर किसी बहुत बड़ी सिफारिश के साथ पैदा होता, तो शायद मुझे आज वो चैलेंजेस फेस ना करना पड़ते. और ये सिर्फ उस एक बच्चे की बात नहीं है. ऑलमोस्ट जब कभी भी मैं यूथ से कुछ डिस्कस करता हूं, तो मुझे इससे मिलते जुलते चैलेंजेस, ऑलवेज यूथ इंडल्ज करती है अपने आप को कंपेरिजन के अंदर. ऑलवेज यूथ उन बातों की फिक्र में लगी रहती है जो बातें उसके कंट्रोल में नहीं है. पॉलिटिकल सिस्टम डायरेक्टली आज स्टूडेंट के कंट्रोल में नहीं है. हमारे मुल्क का एजुकेशन सिस्टम डायरेक्टली उस स्टूडेंट के कंट्रोल में नहीं है. तो जो बात आगे आपसे करने जा रहा है, उसको समझने के लिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है. हमारी लाइफ में दो ही सर्कल्स होते हैं, एक सर्कल जिसको हम सर्कल ऑफ कंसर्न बोलते हैं, और एक सर्कल वो जिसको हम सर्कल ऑफ इंफ्लुएंस बोलते हैं. जब तक हम सर्कल ऑफ इंफ्लुएंस के अंदर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश नहीं करेंगे, हम कभी भी सर्कल ऑफ कंसर्न पर इंपैक्ट क्रिएट करने में कामयाब नहीं हो सकते. सर्कल ऑफ इंफ्लुएंस क्या है? सर्कल ऑफ इंफ्लुएंस आपकी हेल्थ है. सर्कल ऑफ इंफ्लुएंस आपके बिहेवियर्स हैं, आपके एटीट्यूड्स हैं. आप क्या देखते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप क्या बोलते हैं, ये सब वो सर्कल ऑफ कंसर्न है. आप क्या पढ़ते हैं और जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या देने की कोशिश करते हैं, ये वो सब है जो सर्कल ऑफ इंफ्लुएंस है. और सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है? कि पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ मेरी नजरें हैं, इस मुल्क के जुडिशरी सिस्टम की तरफ मेरी नजरें हैं, और मैं अपने दिन के 24 घंटे में से जो बेबहा वक्त जाया करता हूं, बर्बाद करता हूं, वो ये सोचने में करता हूं कि जी इमरान खान साहब ने ये वादे किए थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में ये प्रोमिसेस थे, मेरे मुल्क के अंदर वो उस लेवल की यूनिवर्सिटीज नहीं है, और सो एंड बला 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 बला, वो सब जो मेरे डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है. तो मेरा जो मैसेज आज की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारी यूथ के लिए है, ऑलवेज फोकस ऑन योर सर्कल ऑफ इंफ्लुएंस. जब तक आप अपने सर्कल ऑफ इंफ्लुएंस पे फोकस नहीं करेंगे, आप नेगेटिव एनर्जीज अपने अंदर इंबेड करेंगे. और जैसे ही नेगेटिव एनर्जीज अपने अंदर इंबेड करेंगे, आप अल्लाह के दिए हुए बेहतरीन रिसोर्स को, आज इस हॉल में जितने लोग मौजूद हैं माशाल्लाह से सबके सब नेमतों से मालामाल हैं. छोड़ दीजिए इस बात को कि हमारे मुल्क के सिस्टम की क्या पोजीशन है, छोड़ दीजिए इस बात को कि हमारे मुल्क के एजुकेशन सिस्टम की क्या पोजीशन है.
अल्लाह पाक ने हम सबको सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक माला माल किया नेमतों से, तो हमें उसको तो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर लें। तो जो मेरे पास, जब मैं आप सबके लिए पास आने से पहले थोड़ा इसको देख रहा था, स्टडी कर रहा था, कुछ दोस्तों से मशवरा कर रहा था, तो सब मुझे ये कह रहे थे कि जी हमारे मुल्क का मसला अनएम्प्लॉयमेंट फला 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 फला, वो सब हमें पता है, क्या नहीं पता उसमें से? हमारे मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम का हमें नहीं पता, हमारे मुल्क के टेस्टिंग सिस्टम का हमें नहीं पता। 1100 में से 1100 नंबर आए हैं, 700 से जायद बच्चों के सिर्फ लाहौर के अंदर, लाहौर बोर्ड के मैट्रिकुलेशन एग्जाम के अंदर 1100 मार्क्स आउट ऑफ 1100 मार्क्स मोर देन 700 स्टूडेंट्स के आए हैं। पिछले 20 साल के अंदर हम कोई एक भी ओलंपिक के अंदर कोई एक भी वर्ल्ड लेवल का कोई टाइटल, कोई एथलीट, कोई प्लेयर पैदा करने में कामयाब नहीं हुए। द बेसिक रीजन इज कि हम एज नेशन, एज यूथ, हम हमेशा कंप्लेनिंग गेम के अंदर रहते हैं। ऑलवेज वी आर इन ब्लेमिंग गेम, ऑलवेज वी आर कि हमारे मुल्क में ये होगा तो फिर हम ये करेंगे, हमारे मुल्क में जब तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी तब तक हम अच्छा काम नहीं करेंगे। डोंट वेट फॉर दिस, वो वक्त आप ही ला सकते हैं। वो वक्त उस दिन आ जाएगा जिस दिन आप अपने जहन से, अपने माइंड से, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करेंगे। यकीन करें यही मुल्क खूबसूरत हो जाएगा, यकीन करें इस मुल्क की चीजें जो है वो बेहतरीन हो जाएंगी। तो मेरा आज का जो मैसेज है यूथ के लिए कि फोकस कीजिए अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर। अल्लाह पाक ने जो आपको सलाहियतें दी है जो अवेलेबल है उसके अंदर अपना 100% दीजिए पहले, फिर बात कीजिए कि मुल्क क्या हो रहा है। मैं अक्सर अपने प्रिंसिपल से बात करता हूं कि ये कहना बड़ा आसान है कि इमरान खान साहब आ गए, पहले इससे फलां गवर्नमेंट थी, फलां गवर्नमेंट थी, 22 करोड़ का मुल्क है, 7,96,000 मुरब्बा किलोमीटर का मुल्क है, तो ये कहना बड़ा आसान है कि ये ठीक क्यों नहीं कर रहे, ये कहना बड़ा आसान है कि फलां मिनिस्टर ठीक क्यों नहीं कर रहा। तो मैं अक्सर अपने प्रिंसिपल से कहता हूं कि अगर आपको फोकस करना है तो आपको अपने उस 4 से 20 कनाल का जो कैंपस है, अगर आप उसको अपना पाकिस्तान समझ लें, और जैसा पाकिस्तान आपको चाहिए सबसे पहले अपने उस इदारे को वैसा जैसा पाकिस्तान चाहिए वैसा बनाने की अगर कोशिश करते हैं तो यकीन करें जिंदगी आसान हो जाएगी। तो मेरी आज बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं फहद बड़ाई साहब के साथ, उनकी सारी टीम के साथ, और मैं इनको बिल्कुल ओपन ऑफर ये दे रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे 26 कॉलेजेस हैं, 22,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरमीडिएट से मास्टर्स तक हमारी इदारे का हिस्सा है। जब कभी भी हमारे इदारे की जरूरत पड़ती है इस यूथ जनरल असेंबली को, ऑलवेज हम अवेलेबल हैं। और अपने एक पैगाम के साथ, और एक पैगाम मैं देना चाहूंगा फहद बड़ाई साहब को, उनकी सारी टीम को, और अपने इस पैगाम के साथ मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं कि जब अपना काफिला अजमो यकीन से निकलेगा, ये माशाल्लाह से बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं सारी टीम उनकी, तो जब अपना काफिला अजमो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, वतन की मट्टी जरा एड़ियां रगड़ने दे, हमें यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। थैंक यू वेरी मच।